कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी ये इनकम इस साल जो सरकार का बजट था, सरकार ने प्रोजेक्ट किया है कि हमारी इनकम टोटल 34.83 लाख करोड़ रहेगी, ठीक है। उसमें से टैक्स सरकार एस्टिमेट कर रही है कि 15.45 लाख करोड़ का हमारा टैक्स रहेगा। टैक्सेस अलग अलग सोर्स, अलग अलग टैक्सेस हो सकते हैं सरकार के, जैसे कि जीएसटी हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट के लिए कॉरपोरेट टैक्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स होते हैं, ठीक है। फिर सरकार पेट्रोल और डीजल पे काफी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी से अर्न करती है, ठीक है ना। इस साल 15 लाख करोड़ में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ सरकार एस्टिमेट कर रही है कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी वो लगाती है, अर्न करेगी। फिर सरकार कस्टम्स ड्यूटी लगाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग टैक्सेस होते हैं सरकार। उसके बाद होता है कैपिटल रिसीट। अच्छा हाँ चलो, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट तुम लोग ने अभी देखा ही था, सरकार जब भी बोरो करती है तो उससे सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है, तो वो एक कैपिटल रिसीट है। फिर सरकार अपनी जो कंपनीज में शेयर बेचती है, अपने असेट्स बेचती है, उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सरकार की अलग अलग पीएसयूज हैं, मान लो एयर इंडिया है, उसको अगर इंडिया मतलब गवर्नमेंट एयर इंडिया को सेल करती है, उसके शेयर्स बेचती है, ठीक है। तो जो शेयर सरकार बेच रही है वो शेयर्स सरकार के लिए पहले असेट थे, अगर सरकार उन्हें सेल कर देगी एयर इंडिया के शेयर्स को, तो वो सरकार के असेट कम हो जाएंगे। अगर सरकार के असेट कम हो गए तो ये कैपिटल रिसीट है। तीसरा सरकार के लिए नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस साल 99,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को दिए हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी पीएसयूज होती हैं, उनको जो प्रॉफिट्स होता है, जैसे कि एलआईसी है, जैसे कि बीपीसीएल है, जैसे कि एचसीएल है, सॉरी जैसे कि एचपीसीएल है, जैसे कि कोल इंडिया है, जैसे कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी पीएसयूज हैं, सरकार की कंपनी है। ये जो भी इनकी इनकम होती है ये तुम्हारी नॉन टैक्स रिवेन्यू, सरकार को ये कुछ कुछ डिविडेंड देती है। तो ये सरकार यहाँ यहाँ से इनकम इकट्ठा करती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम्हें दिख रहा है हाफ कैपिटल रिसीट है इस साल और हाफ तुम्हारा रेवेन्यू रिसीट है। बात समझ आ रही है? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इस साल। नॉर्मल ईयर्स में 70% के अराउंड रेवेन्यू रिसीट होता है, 70% मतलब कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं ये मिलाकर नॉर्मली 70% होते हैं। कैपिटल रिसीट नॉर्मली 30% होते हैं, लेकिन इस साल सरकार ने बहुत ज्यादा बोरो किया है मार्केट से, क्योंकि कोविड के टाइम पे सरकार के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, टैक्स भी सरकार सोच रही है कि कम आएगा इस साल, तो सरकार इस साल बोरो बहुत ज्यादा करने वाली है। तो ये हम इनकम देखा कि सरकार की कहां कहां से इनकम आने वाली है इस साल, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है, तो ये कुछ कुछ सरकार स्कीम्स चलाती है बहुत सारी बड़ी बड़ी, उन पे सरकार बहुत ज्यादा स्पेंड करती है, ठीक। फिर उसके अलावा सरकार देखो कुछ कुछ खर्चे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार टोटल जो स्पेंड करेगी 34.8 लाख करोड़, ठीक है, 34.8 में से 8.1 सरकार पुराने जो सरकार की बोरोइंग्स हैं उन पे इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। 8.1 लाख करोड़ पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है 34.8 में से, तो सरकार के पास बचे कितने 26.7, उसमें से 2.6
लाख करोड़ की सैलरी पे करेगी सरकार, 1.9 लाख करोड़ की पेंशन पे कर रही है सरकार, कुछ कुछ पैसे सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर करती है, तो अलग अलग बहुत सारे और खर्चे हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये हमने देख लिए सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपोनेंट्स, अलग अलग कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से रेवेन्यू रिसीट्स हैं, और कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और कौन कौन से कैपिटल रिसीट्स हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही स्लाइड पे पढ़े हुए हैं, जब से क्लास स्टार्ट की है, ऑलमोस्ट 45 मिनट से इधर ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बजट रिसीट्स हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, ये बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं अब कि रेवेन्यू रिसीट्स ना तो हमारी लाइबिलिटी वगैरह बढ़ाती हैं, ना हमारी कुछ असेट वगैरह कम करती हैं। तो अब जैसे तुम्हारे टैक्सेशन है, ठीक है, टैक्सेस हैं, इस साल गवर्नमेंट कुछ 15.5 लाख करोड़ के आसपास कुछ एस्टिमेट कर रही है 2021-22 ईयर के लिए कि इतने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, टैक्स कलेक्शन। तो ऑब्वियसली इतना जो सरकार के पास टैक्स आएगा, सरकार की कोई लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है टैक्सेस से, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। तो ये ना तो लाइबिलिटी बढ़ा रही है, ना ये कोई असेट कम हो रही है सरकार की, सरकार के पास असेट कोई कम थोड़ी हो रहा है, सरकार अपनी लैंड को बेच के थोड़ी पैसा कमा रही है, या कंपनीज में अपना जो उसका शेयर था वो थोड़ी सेल कर रही है सरकार, तो असेट भी कम नहीं हो रहे। तो ये वाले हमारे रेवेन्यू रिसीट होते हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को। एक होते हैं टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स तुम्हें पता ही, अलग अलग टाइप के होते हैं, जीएसटी होता है, एक्साइज होती है, एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे अक्सर लगाती है सरकार, इनकम टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, ठीक है, फिर कस्टम सरकार लगाती है, तो ये टैक्स रेवेन्यू है सरकार के लिए। फिर सरकार के लिए कुछ कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू तुम्हारी कौन कौन सी होती हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू तुम्हारी जो भी पीएसयू से प्रॉफिट मिलता है वो, आरबीआई डिविडेंड देती है वो, फिर गवर्नमेंट अक्सर ना बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स रन करती है, उनसे भी कुछ कुछ सरकार को जो प्रॉफिट होता है, बच्चे स्कूल की फीस भरते हैं ना, तो सरकार के लिए वो इनकम है, तो उससे भी कुछ कुछ सरकार को रेवेन्यू होता है। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एस्चीट का, ये होता है कि तुम्हारा अगर मान लो कोई आदमी मर जाए, उसकी सरकार प्रॉपर्टी ले लेती है, ये सारी कुछ कुछ चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, टैक्स रिवेन्यू पता ही है तुम्हें टैक्स क्या होते हैं, ये तो छोटे बच्चों को भी मालूम होता है टैक्स क्या चीज होती है। दो टाइप के हमारे टैक्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस बता सकते हो कौन कौन, पता है, बताओ कौन से टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट होते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। वेरी गुड, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। करेक्ट, और एक और एग्जांपल दे सकते हो इसे, कस्टम्स। ऐसे कस्टम, एक्साइज और कस्टम एक ही तो होता है? नहीं नहीं, एक्साइज अलग होता है, कस्टम्स अलग होता है, अक्सर एक साथ भी बोल देते हैं, एक्साइज एंड कस्टम्स एक साथ बोल देते हैं, लेकिन देखो कस्टम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कस्टम्स ये तुम्हारा होता है कि जो भी बाहर से सामान इंडिया में आता है, ठीक है, मान लो चाइना से स्टील आ रही है, ठीक है, तो वैसे ये एग्जांपल मैं कई बार तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, चाइना बहुत सस्ती स्टील इंडिया में एक्सपोर्ट करती है या कर सकती है आज भी,
चाइना के पास स्टील बहुत सस्ते में चाइना मैन्युफैक्चर कर देती है स्टील को, ठीक। तो इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं, इनकी ना गवर्नमेंट में लॉबी रहती है, लॉबी मतलब कि अपने इनके बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग रहती है कि ये गवर्नमेंट से जो चाहे वो मनवा सकते हैं बात। स्टील कंपनीज बहुत पावरफुल ग्रुप है, तो ये जो सस्ता चाइना से स्टील आ रहा है उस पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इस पे बहुत हाई कस्टम्स ड्यूटी लगवाते हैं, ठीक है। हाई कस्टम्स ड्यूटी मतलब कि अगर चाइना से स्टील तुम्हारा मान लो 1 टन स्टील आ रहा था 5,000 का, ठीक है, ₹5,000 का, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि फिजिकली स्टील इंडिया में इंपोर्ट होती है, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं मान लो विशाखापट्टनम में पोर्ट है या कांडला में पोर्ट है गुजरात में, या मान लो मुंबई में पोर्ट है, कोलकाता में पोर्ट है, बहुत सारे अलग अलग पोर्ट हैं, चेन्नई मान लो पोर्ट है, तो वो उस पे वहाँ पे जो भी आदमी इम्पोर्ट करता है सामान को वो कुछ सरकार को पेमेंट करेगा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टर है इंडिया की कोई कंपनी अगर चाइना से स्टील इम्पोर्ट कर रही है तो 5,000 का तो चाइना की स्टील की कंपनी 5,000 का बिल बनाएगी 1 टन स्टील के लिए, प्लस मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ने 50% उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगा दी, तो अब वो 5,000 प्लस 2,500 7,500 की स्टील इंडिया में आएगी, समझे, 1 टन स्टील अब 7,500 की हो गई, ठीक है। और मान लो इंडिया की जो अपनी इंडियन स्टील कंपनी है वो मान लो बहुत ही इंफीरियर टाइप की कंपनी है, महंगा सामान बनाती है, उसके पास घटिया आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो सस्ते में सामान बना ही नहीं पाती, तो मान लो वो बनाती थी 7,200 में पर टन, चाइना की कंपनी देखो कितनी अच्छी थी 5,000 में सस्ते में माल बना ले रही थी सेम क्वालिटी का, इंडिया की कंपनी मान लो 7,200 में बना रही है, लेकिन क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत हाई कस्टम्स ड्यूटी लगा दी तो इससे चाइना की स्टील महंगी हो गई और इंडिया की स्टील सस्ती हो गई, ठीक है। तो ये कस्टम्स ड्यूटी का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो इससे तुम बता सकते हो नुकसान किसका हुआ, हमारा, वेरी गुड, इससे नुकसान कस्टमर का हुआ। इससे देखो विनर्स कौन कौन है, इंडियन स्टील कंपनीज, ठीक है, जिनकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि कॉम्पीट ही नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। विनर गवर्नमेंट भी है इसमें, गवर्नमेंट क्यों विनर है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट ने 50% कस्टम ड्यूटी लगा दी सरकार तो खुश है, सरकार को ढेर सारा टैक्स मिल गया, समझे बात को। लेकिन इसमें लूजर कौन है, लूजर्स जो हमारे आम कंज्यूमर हैं, ठीक है, और लूजर कैसे हुए, वो लूजर इस तरह से हुए, अगर मान लो तुम्हारे बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, जिनमें लोग अपने अपने अपार्टमेंट महंगे हो जाते हैं, बिल्कुल सही, तो अगर वो कोई अपार्टमेंट मान लो 3 BHK का अगर चाइना से वो अच्छी सस्ती में स्टील मिल जाती है उनको, तो अगर वो 50 लाख में बेच सकते थे, तो अगर इंडिया की स्टील मतलब इंडिया की स्टील अगर उन्हें 7,200 की खरीदनी पड़ रही है, तो सपोज वो जो अब फ्लैट बेच रहे हैं, अपार्टमेंट बेच रहे हैं, वो 60 लाख का हो गया, नुकसान किसका हुआ, हम लोग का हुआ, तो इससे मैं तुम लोग को बताना क्या चाह रहा था, बेसिकली कस्टम्स क्या होता है, तो इंडिया कुछ बाहर से कुछ इंपोर्ट अगर करता है और उस पर कोई चीज इंपोर्ट पे सरकार टैक्स लगा देती है तो वो कस्टम्स होता है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये 3 होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस ये 2 होते हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स पेयर है और
या टैक्स पेयर की जगह जो आदमी टैक्स फाइल कर रहा है, ठीक है, पर्सन फाइलिंग द टैक्स, और दूसरा पर्सन हु पेज द टैक्स। अगर ये दोनों सेम है तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है। अरे ये आर्यन भी गायब हो गया, चलो रिकॉर्ड तो हो ही रहे। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो जो लोग टैक्स को फाइल करते हैं और जो पर्सन टैक्स को भर रहा है, अगर वो दोनों सेम ही लोग हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अब इसका देखो मतलब क्या है कि अगर इनकम टैक्स की बात करें हम, इनकम टैक्स में क्या होता है कि मान लो उदित की इनकम ईयरली सपोज 5 लाख से ज्यादा वाले के लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। मान लो उदित की इनकम साल की मान लो 8 लाख है, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर लिया पर ईयर, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या होता है कि इनकम टैक्स फाइल कौन करेगा, उदित फाइल करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इनकम टैक्स उदित अपनी खुद फाइल करेगा, जितनी इनकी उसकी इनकम है उस हिसाब से। फाइल मतलब, फाइल मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है कि मेरी, तुम्हें सरकार की वेबसाइट होती है, एक सेकंड रुक जाओ आर्यन को ध्यान दो, हाँ देखो आर्यन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनकम टैक्स क्या होता है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्ट टैक्स में एक पर्सन जो टैक्स को फाइल करता है और दो जो पर्सन टैक्स एक्चुअली भर रहा है, अगर ये दोनों सेम ही लोग हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। मैं सपोज इनकम टैक्स की अगर बात करूं, कोई पर्सन है, सपोज उदित की बात करते हैं, उदित की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए, साल में 8 लाख रुपए उदित कमाता है, तो जब इनकम टैक्स उसको पे करना है तो वो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स वाली, उधर जाएगा उस वेबसाइट पे और वो उस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना करेगा, अपना कुछ कुछ पैन नंबर भरेगा उसमें, आधार कार्ड पे जो नंबर है वो भरेगा और लिखेगा कि मेरी साल की इनकम 8 लाख रुपए है, और उदित अपना टैक्स जो भी है फाइल कर देगा। अब मान लो गवर्नमेंट उस पर जो वेबसाइट है वो अपना उसने कुछ कैलकुलेशन की वेबसाइट ने और उदित को बताया कि भाई तुम्हारा जो टोटल टैक्स आ रहा है वो मान लो कुछ 73,000 आ रहा है, तो उदित क्या करेगा, अपना जो भी उसका डेबिट कार्ड है, उदित के पास डेबिट कार्ड, उससे वो उसको फोन में कुछ ओटीपी आ जाएगा और वो 73,000 पे कर देगा। तो इसमें समझो इनकम टैक्स भर कौन रहा है, मतलब किसके नाम पे भर रहा है इनकम टैक्स, वो उदित के नाम पे भर रहा है, उदित पर्सन है जो इनकम टैक्स जिसके नाम से जा रहा है, तो उदित के नाम से 73,000 जा रहा है और उदित फाइल कर रहा है टैक्स, ठीक है। तो पर्सन फाइलिंग द टैक्स मतलब जिसके नाम से टैक्स भरा जा रहा है, उदित के नाम से ही भरा जा रहा है, उदित खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा रहा है, अपना नाम दे रहा है उदित बिष्ट, अपना नाम दिया उसने और फिर अपनी उसने इनकम लिखी 8 लाख रुपए साल की और उस पर उसको टैक्स आ गया 73% तुम पे करो भाई। तो किस आदमी के नाम से टैक्स भरा जा रहा है, उदित के नाम से। फाइनली किसके अकाउंट से पैसा कटा, एक्चुअली पे कर कौन रहा है टैक्स, उदित ही पे कर रहा है, क्योंकि उदित के डेबिट कार्ड में से, तुम लोग अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते होगे ना, अमेजोन से सामान मंगाते होगे, स्विगी से सामान मंगाते होगे, ऊबर से ट्रेवल करते होगे, तो डेबिट कार्ड से ओटीपी आता है उसको तुम भर के पेमेंट करते हो, तो फाइनली पैसा कट किसकी जेब से रहा है, उदित की जेब से ही कट रहा है। तो जो आदमी के नाम पे टैक्स जा रहा है, मतलब कि जो आदमी टैक्स फाइल कर रहा है अपने नाम से
और जिस आदमी के फाइनली पैसे कट रहे हैं अगर वो सेम आदमी है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ये बात समझ आई? डायरेक्ट टैक्स बट कोई खुद करेगा ही नहीं तो फाइल ही नहीं करेगा। अब देखो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स, चलो यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी केस में, डायरेक्ट केस में, इसमें तुम्हें अंतर तब समझ आएगा जब तुम इनडायरेक्ट भी देख लोगे कि इनडायरेक्ट का क्या सिस्टम है और डायरेक्ट का सिस्टम क्या है। तब तुम्हें समझ डिफरेंस समझ आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है। इनडायरेक्ट में तो हम डायरेक्टली पे करते हैं ना, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें जीएसटी लगाते हैं, वो हर कोई तो लेता नहीं। बिल्कुल सही। तो अब देखो इनडायरेक्ट में क्या होता है। इनडायरेक्ट में मान लो तुम्हारी कोई भी कंपनी है, ठीक है, मान लो बजाज है, बजाज अपनी बाइक बेच रही है, ठीक है, बजाज की बाइक सपोज उसका बेस प्राइस था 50,000, अब उस पर मान लो 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया बजाज की बाइक पे, तो इस पे अब इसका नया प्राइस कितना हो गया 59,000, ठीक। अब इस पे देखो टैक्स की पेमेंट कैसे होती है। जो आदमी गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है, ये जो जीएसटी लग रहा है, बजाज ने तो बोल दिया गवर्नमेंट को कि भाई हम 50,000 की बाइक बेच रहे हैं, उस पे बजाज ने 18% जीएसटी लगा दिया, तो मान लो आर्यन को इसने 59,000 की बाइक बेची बजाज ने, तो जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है जीएसटी 9,000 का, वो पे कर कौन रहा, मतलब किसकी जेब से जा रहा है? क्या वो बजाज की जेब से जा रहा है या आर्यन की जेब से जा रहा है? सर, हमारी कंज्यूमर। बिल्कुल, आर्यन पे कर रहा है ना 9,000, ठीक है, लेकिन जीएसटी फाइल कौन करता है? गवर्नमेंट। अरे जीएसटी फाइल बजाज करता है, कंपनी फाइल करती है, बजाज, ठीक है ना, जो भी कंपनी स्पेसिफाई रहता होगा ना, इतना जीएसटी इस चीज पे लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हम बाइक की बात कर रहे हैं, बाइक पे 18% जीएसटी है। ओके, तो जीएसटी फाइल अगर बजाज की जो कंपनी है वो जीएसटी फाइल करती है, जीएसटी फाइल करने का मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बजाज ग्रुप वाले, वो जाएंगे और फाइल कर देंगे कि हमारा इतना इतना जीएसटी है, ठीक है, और फिर बजाज पेमेंट कर देगा, ठीक है। पेमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। यस सर, हमें तो इसी में मिलता है, हम डायरेक्ट। हाँ देखो, बजाज पेमेंट कर देगा, मान लो बजाज ने इस जो बेची है ये वाली जो बाइक है, इस पे बजाज 9,000 पेमेंट करेगा जीएसटी, ठीक है, बजाज ही पेमेंट कर रहा है, तुम पे नहीं कर रहे। जब भी तुम कोई चीज खरीदते हो, हर बार जब भी तुम कोई चीज खरीदते हो तुम उस पे कुछ जीएसटी पे करते हो ना। मान लो तुमने एक टूथपेस्ट खरीदा, टूथपेस्ट पे भी कुछ जीएसटी लगता है, मान लो 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो तुम जब भी कोई जीएसटी, मतलब कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हो, या तुम घर पे आके तुरंत सरकार की वेबसाइट खोल के जीएसटी की वेबसाइट पे जाते हो और जीएसटी अपना फाइल करते हो? नहीं करते। नो सर, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि घर पे जब भी तुम, मान लो नीचे तुम गए, तुमने एक कोई च्युइंगम खरीदी, ₹1 की च्युइंगम खरीदी, तुरंत तुम अपना फोन निकाल के गवर्नमेंट की जीएसटी वेबसाइट पे गए, 18 पैसे तुम उस पे, मैं इंक्लूडेड होता हूं। हाँ, वो इंक्लूडेड होता है, तुम थोड़ी फाइल करते हो जीएसटी। जीएसटी फाइल करने की हेडेक कंपनी की है, ऐसे तो वरना लोग मरी जाएंगे ना देश में, हर एक आदमी जीएसटी फाइल करेगा। हाँ, जब भी सरकार, मतलब कोई भी आदमी कहीं पे भी जा रहा है, छोटा सा मान लो उसने कोई, मान लो कोई रिक्शे वाला है बेचारा, उसने जाके एक कोई बीड़ी खरीदी, बीड़ी पी रहा है, तो बीड़ी पीने के बाद फाइल करेगा, हर चीज में ऐसे हो जाएगा फिर तो। हाँ, तुम मान लो कोई कहीं कुछ भी जा रहे हो तुम, और मान लो तुमने कोई टॉफी खरीदी, ठीक है,
फिर तुम तुरंत अपना फोन करके जीएसटी भरो, ऐसे तो मरी जाएंगे लोग। यस सर, ये तो इम्पॉसिबल काम है। तो क्या होता है कि जीएसटी फाइल तो कंपनी करेगी ना, ऑब्वियसली बात है, फाइल तो कंपनी करेगी जीएसटी। एक 139 करोड़ इंडिया में लोग हैं, रोज कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, तुरंत जीएसटी भरने लग गए, फिर तो मौत आ गई लोगों की। तो जीएसटी फाइल कंपनी करेगी, ठीक है, जो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उनकी हेडेक है, वो तुम चिंता मत करो। और पेमेंट भी फिर बजाज ही करेगा 9000, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सरकार को 9000 रुपए चाहिए ना टैक्स, वो बजाज ही 9000 देगा सरकार को। लेकिन बजाज को 9000 कहां से मिले, वो आर्यन ने उसको दिए थे 9000, समझे ना। बाइक तो 50,000 की थी, उसमें 18% जो 9000 एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट है, आर्यन ने बाइक परचेज की 59,000 में, ठीक है, 50,000 की बाइक आर्यन ने 59,000 में बाइक परचेज की है, समझे। तो जो 9000 की जो एडिशनल बजाज को पैसे मिले हैं, जो बजाज गवर्नमेंट को दे रहा है मोदी जी को, वो 9000 एक्चुअली आर्यन के पैसे हैं, बजाज अपनी जेब से नहीं दे रहा, ये बात समझ आई। यस सर। तो यहाँ सर इनकम टैक्स में अगर कोई फाइल ही नहीं करेगा तो वो उसकी ब्लैक मनी है, ठीक है ना। अक्सर तुमने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, जो एक आदमी से फ्लैट दूसरे आदमी को बेचते हैं, या तुम्हें मान लो कोई कमर्शियल शॉप खरीदनी है, वो अक्सर कैश में पेमेंट लेते हैं, ठीक है, कैश में, फिर वो इनकम टैक्स पे नहीं करते उस पर, तो वो उनकी ब्लैक मनी हो जाती है। ओके सर, गवर्नमेंट को तो पता नहीं लगता सर, पे करे ना करे। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को पता नहीं लगता। तो ये तुम लोग को समझ आए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट टैक्स में जब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था तो किस आदमी के नाम से टैक्स जा रहा था, उदित के नाम से जा रहा था, पर्सन फाइलिंग द टैक्स उदित बिष्ट के नाम से जा रहा था ना, और पैसे किसकी जेब से जा रहे थे, फाइनली उदित की जेब से जा रहे थे। तो इनकम टैक्स के केस में ये दोनों सेम लोग हैं, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, समझे। अब मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो फाइल कौन कर रहा है, अगर मैंने ये जो बाइक वाला एग्जांपल लिया है, बताओ फाइल कौन कर रहा है, बजाज, बिल्कुल सही, ठीक है, बजाज कंपनी के नाम से फाइल हो रहा है जीएसटी। लेकिन ये पैसे पे किसने किए थे, किसकी जेब से पैसे कटे हैं, आर्यन, करेक्ट, आर्यन की जेब से कटे हैं। तो ये तुम्हारा जीएसटी इस वजह से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, इफ बोथ आर नॉट से अलग अलग लोग, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो, समझे। उसी तरह से एक्साइज भी अगर बात करो तुम, एक्साइज टैक्स जो तुम्हारा होता है जब तुम पेट्रोल भरवाते हो, तो जब भी पेट्रोल वगैरह पे सरकार लगाती है एक्साइज, तो तुम लोग पे कर रहे होते ना पैसा, अगर तुम पेट्रोल भरवाते हो, ठीक है, तो जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनीज हैं वो पे कर रही हैं, ठीक है, मान लो HPCL है, वो सरकार को एक्साइज ड्यूटी पे करेगी, ठीक है ना, वो फाइल करेगी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पे करेगी। अगर मान लो तुमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का तुमने पेट्रोल भरवाया, उस पर कुछ तुम्हारा टैक्स लगेगा, तो वो उतना टैक्स तुम तो तुरंत फाइल करते नहीं हो जैसे ही पेट्रोल भरवाया, ऐसा तो होता नहीं है कि लोग पेट्रोल पंप पे लगे जीएसटी सॉरी एक्साइज टैक्स फाइल करने में, एक्साइज टैक्स फाइल कंपनी करती है, और पे कौन करते हैं, बोलो बोलो सर, जीएसटी प्रोडक्शन के टाइम पे ही लग जाता है, फिर जब वो बेचते हैं तब जीएसटी तुम्हारा पेमेंट कब करते हैं, जिस टाइम पे तुम बेचते हो, जिस टाइम पे कोई आदमी खरीद रहा होता है उस टाइम पे तुम उसको वो पे कर रहा होता है ना। यस सर, ठीक है, तो एक्साइज भी पेट्रोल जब भी तुम पे करते हो टैक्स, इसमें भी गवर्नमेंट को क्या पता लग रहा है, नहीं उस पे वो तुम्हारा पेट्रोल पंप प्रोडक्शन की वो ट्रैक रखेगी